नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। आजमगढ़ के लालगंज मैरिज हॉल में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर एडवोकेट अमित कुमार मिश्रा, नरेंद्र सिंह, नगर चेयरमैन विजय सोनकर खन्ना, वकील आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। शुभ नाम? एडवोकेट अभय कुमार मिश्रा। अच्छा, यहाँ नरेंद्र सिंह का पूर्व विधायक का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भगवान की लंबी उम्र दे और अच्छे ऐसे ही हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे। हम लोग हमेशा आते रहे और बहुत अच्छा लगा उनकी पार्टी में आकर के जी। और एकता और देश के विश्वव्यापी भरे सभा में मैं उनके हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए आगे हूँ। ठीक, थैंक यू। प्रयागराज जिला के थाना 12 के अंतर्गत रामगढ़ में लोगों को नशा से मुक्ति करने के लिए सांस्कृतिक विधा के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा आए हुए क्षेत्रीय लोगों को नाट्य कला के माध्यम से भी जागरूक किया गया। फास्ट न्यूज इंडिया टीम को विस्तृत जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक राम भवन सिंह ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जबकि इस स्थल में एक ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है, जहां की मेलार्थियों को आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आए हुए दुकानदारों के सुरक्षा के लिए भी प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रयागराज से राजेश कुमार की रिपोर्ट। यहाँ तमाम सड़कों की दुर्व्यवस्था है, मेलार्थियों को आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पेयजल की भी व्यवस्था यहाँ दुर्व्यवस्था के रूप में दिख रही है। इसको लेकर आप लोगों ने कितना प्रयास किया शासन हमारे कई बार कल आए थे समस्याएं बहुत बच्चे लगभग तीन। और यहाँ दुकानदार परेशान हैं, तमाम जो मेलार्थी हैं, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर है, लाइट व्यवस्था कमजोर है। दुकानदारों ने बताया कि भाई यहाँ जीना जल्दी करते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ मौके पर नहीं रहती। प्रशासनिक व्यवस्था जैसे अन्य क्षेत्र अधिकारी से बात किया, अधिकारी 12 से बात किया और साथ ही साथ हम लोगों ने कप्तान को भी पत्र दिया। अब ये व्यवस्था वो आते नहीं आते हैं, मात्र भेजे दो पुलिस भेजे हैं और इतने मेले को वो करने के लिए व्यवस्थित करने के लिए दो पुलिस पर्याप्त नहीं। ये मेला लगभग कितने गांव से जुड़ा होगा? ये लगभग 40 गांव से जुड़ा। 40 गांव से? 40 गांव से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है और लोग आते हैं और जगह से भी लोग आते हैं। ये मेला कब से प्रारंभ हुआ? ये मेला तो हम नहीं बता पाएंगे, शायद हमारे युवक भी नहीं बता पाएंगे। लगभग कितने समय से? लोग ये बताते हैं कि राम जब राम जी लंका को जा रहे थे राम पर रुके थे उन्होंने मैंने श्री रामचंद्र जब लंका की ओर जा रहे थे तो यहाँ रुके थे और महाराज
आ रहा था उस समय 10,000 की भी मेले में होती थी। सन 1992 बना है उसकी सूचना बच्चे कर देते हैं। बहुत बड़ा मेला है, मेला बहुत बड़ा है और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा मेला है। उसी तरह तो यहाँ जो प्राचीन मूर्ति है इसकी स्थापना किसने किया था क्या बताया आपने? रामचंद्र जी ने, लंका जाते समय। ऐतिहासिक मेला है और जो मेला है ये बामनावा शिवलिंग है उसमें एक राम रहता है। ये 52वां शिवलिंग है और हमारे ऋषि अभी आनंद गिरी जी आए थे, उन्होंने कहा सबसे पहले राम है उसके बाद महाकालेश्वर है फिर मानी। ये ज्योतिर्लिंग तो 12 ही है तो नहीं शिवलिंग में। अच्छा शिवलिंग 52वां नंबर। अच्छा हेलो, आप लगातार प्रयासरत रहते हैं कि यह ऐतिहासिक मेला की अस्मिता और सम्मान जो है उसी ऐतिहासिक व्यवस्था के अनुसार बनी रहे। 30 करोड़ की आबादी है, हम हमेशा चाहते हैं। और दूसरी बात एक और होता है आपकी सौहार्द बढ़ता है और लोगों का भाईचारा बढ़ता है और यहाँ बहुत दिनों से भूले भटके लोग आकर के मुलाकात होती है याददाश्तें। आपका गांव तो यहीं पड़ता होगा? नहीं, हमारा गांव यहाँ से 4-5 किलोमीटर और आगे अकौरिया में। अकौरिया, अकौरिया क्या नाम बताया आपने? राम भवन सिंह। लड़का या लड़की? सामाजिक व्यक्तियों को ऐसे आवश्यकता है आप जैसे महिला को जागृत किए हुए हैं। मेला की बैटरी को डाउन हो जाए ठंडी की वजह से ठीक हो जाएगा। मैं आपका नाम सामाजिक कार्यों में रहा जो संघर्षों से गुजरा, चाहे बाल मजदूरी का रहा हो या बधुआ मजदूरी का रहा हो या लोगों के अधिकार का रहा हो। और लड़की समझ रहे थे, हम भी समझ रहे कार्य करते हैं और पर्यटन को देखने के लिए दिया। तो अच्छा ये बताइए सब बच्चे यहाँ पर आ गए और सभी समस्याओं को सबसे ज्यादा बहादुर बच्चा है वही यहाँ रुकेगा बाकी सब बैठ जाए। अच्छा कौन बहादुर है? लेकिन अभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमको नहीं मिल पाती हैं, नहीं मिल पाई है प्रशासनिक हाँ। इस संदर्भ में और क्या आगे की कार्रवाई आपकी? आगे की कार्रवाई हम लिखा पढ़ी करेंगे शासन प्रशासन को। अब ये चलो कोई बात नहीं, क्या करते हैं अब बहुत भयंकर जादू होगा। कल ये जादू हम दिखा रहे थे हंडिया में, बड़े भाई वहाँ पर जादू हो रहा था जिन्होंने दो बच्चे जाने जाते हैं और समाज शेखर बच्चों को वो देखते हैं कि इन्होंने जल पर बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने 11 खुदवाई है जनसाहमा। लखीमपुर खीरी तहसील निघासन के ग्राम बल्लीपुर का मामला है जहां के निवासी मुन्ना लाल को उन्हीं के गांव के रहने वाले कैलाश कुमार ने पुरानी रंजिश की वजह से मुन्ना लाल अपने घर में 8 बजे रात को खाना खाकर सो रहे थे तभी कैलाश कुमार नामक युवक आया और उन पर लाठी डंडों से वार किया। इस बात की सूचना निघासन कोतवाली को पहुंची तो वहां पर कैलाश कुमार को पकड़ कर लेकर आए और मुन्ना लाल की मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पीड़ित मुन्ना लाल। क्या बाबा कहाँ के रहने वाले? आपका क्या नाम, क्या हुआ था, क्या हुआ था? बस मरे हैं। कौन मरने लगे? क्या नाम उनका है? कैलाश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बल्लीपुर के पड़ोसी के रहने वाले। अच्छा, किस बात को लेकर लफड़ा हुआ था ये? अच्छा, चलो ठीक है भाई, मेडिकल हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, क्या नाम आपका है? मुन्ना लाल साहब। चलो ठीक। प्रयागराज जिला के कोराव ब्लॉक के अंतर्गत कौदी ग्राम सभा के ग्रामीण विभिन्न समस्याओं को लेकर बहुत परेशान हैं किंतु उनकी फरियाद कोई जिम्मेदार अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम सभा की खुली बैठक भी उद्देश्य विहीन साबित हो रहा है और आजादी के बाद भी वह गुलाम भारत जैसा जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। फास्ट न्यूज इंडिया की टीम से अपनी फरियाद बताते हुए एक वृद्धा भावुक हो गई। प्रयागराज से राम मुरत दीपांकर की ये रिपोर्ट। खाने के लिए अब नहीं है, वो कागज लेके भागे जी।
प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं आप? हम प्रशासन से मांग चाहते हैं कि अपने हिसाब से हर किसान की प्रॉपर्टी, हर किसान की जमीन उनके उनके व्यवस्था में है जी, वो खुद उनको दिखवा लें कि हाँ कितना नुकसान हुआ कितना नहीं नुकसान हुआ है। हम कहाँ कहाँ कागज लेके जाए, किसान कागज लेके जाए जी। आपका परिचय? हमारा परिचय, हम अशोक सिंह सेंगर जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष खोरा हूँ जी। क्या समस्या है आप? समस्याएं तो अनंत है जी, आपने कहने का मौका दिया है तो जरूर कहा जाएगा जी। समस्याएं हमारे ग्राम सभा में तमाम है, जैसे नाली की समस्या है जी। पहली बात तो हमारे पूर्वा में सरकारी नल जो है एक ही मेरे समस्या है जी। और पानी पीने के लिए बड़ी समस्या है। हम लोगों ने स्वयं अपने लिए एक नल लगवाया है, लेकिन बारिश हो जाने पर जो पानी हो ऊपर तलका वो रिस्क नीचे चला जाता है, जिससे पानी पूरा पीला हो जाता है और वही पीने पर टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारी को शिकार हो जाते हैं। और दूसरी समस्या है कि मेरी माँ का विधवा है जी, आज से लगभग 8 साल हो गया उनका पेंशन रुका हुआ है। मैंने ऑनलाइन भी किया है, प्रधान जी को भी डोंगल पर चढ़ाने के दिया है। आज 3 महीने हो गए, अभी तक वो डोंगल पर नहीं चढ़ पाया है। मैंने इसकी इंक्वायरी लखनऊ तक कर लिया है, ये अभी तक नहीं समस्या मेरी समाधान हुई है। और सर ये समस्या मेरे ये नहीं समझ में आता कि ग्राम सभा में कितनी कॉलोनी आई है, कितना आवास आए हैं, इसका अभी तक कोई ब्यौरा नहीं मिल पाया है। और प्रत्येक नागरिक का यह भी अधिकार है कि ग्राम सभा में कितना मत आता है, किस विकास के लिए आता है, ये भी किसी को अभी अवगत नहीं हो, पता नहीं है। जबकि ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है जानने के लिए ग्राम सभा में कितना पैसा आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, किस विकास के लिए आ रहा है, ये भी बिल्कुल जानकारी नहीं। और प्रत्येक ग्राम सभा में 6 महीने में एक बैठक होती है, आज मैं पहली बैठक यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे बड़ी हर्ष की बात है, जैसे मुझे सूचना मिली कि आज खुली बैठक है तो मैं दूसरे काम से निकलने वाला था, हमने सोचा कि चलकर देख लें। और बड़ी हर्ष की बात है कि आप लोग आ करके इस मीटिंग में आप लोगों ने प्रत्येक नागरिकों के विचारों को आपने जाना। तो मैं चाहता हूं कि ये जो ये तमाम समस्याएं हैं उसकी व्यवस्था की जाए। जैसे स्ट्रीट लाइट तो लग गई, अब स्ट्रीट लाइट में उसमें बैटरी खराब हो गई है, लाइट नहीं रहती है तो वहां चौराहे पर अंधेरा रहता है तो उसकी भी कुछ व्यवस्था प्रशासन के अंदर में है या नहीं है, ये भी जानकारी लोगों को होना चाहिए। और तमाम लोगों ने जैसे कहा कि ये खाद्य वितरण प्रणाली में अभी जैसे भूतपूर्व प्रधान साहब ने कहा कि एक यूनिट अगर एक है वो एक है और उसमें 4 लोग अलग से जुड़ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन है ये और इसमें आधार लिंक होता है, जिसका आधार लिंक ही नहीं है तो उसमें यूनिट कहाँ से बढ़ेगा। और इस ओलावृष्टि के कारण मेरे घर गिर गए हैं और अभी तक किसी ने अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो ग्राम प्रधान का और इस क्षेत्र का जो भी कर्मचारी है वो उसका ये फर्ज बनता है कि जाकर के ग्राम सभा में देखे कौन सी क्या समस्याएं हैं। तो उस समस्या से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा घर गिर गया है, छप्पर था वो गिर गया है, उसको देख करके और इस समस्या के प्रशासन तक मेरी बात पहुंचाई जाए और राज्य सरकार तक पहुंचाई जाए। अगर नहीं पहुंचाई जा रहे तो मैं स्वयं फैक्स करने वाला हूं, जो भी समस्याएं हैं मैं फैक्स करूंगा निश्चित तौर पर। और जो आपका चाहे आंगनवाड़ी का केंद्र हो या आशा हो, ये जो है महिलाओं के यहाँ जो गर्भवती हैं महिला हैं उनके यहाँ जा करके लाभार्थियों को कोई फायदा नहीं देती हैं, बिल्कुल नहीं देती हैं, 1% नहीं देती हैं और अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के लिए लोगों को डांट फटकार कराना, ये तमाम बातें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं इसी ग्राम सभा कौंदी का एक प्रबुद्ध नागरिक हूँ और मैं अगर गलत देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता लोग, इसलिए मुझे आपकी जो ग्राम सभा की समस्याएं हैं आपने ग्राम प्रधान से बताया? ग्राम प्रधान तो खुद ही ग्राम सभा के प्रधान है और प्रबुद्ध है, वो तो जानते ही नहीं। नहीं, आपने उनको अवगत कराया, सूचना दिया आपने उनको जो आपकी समस्याएं हैं, आपने इस अपने समस्या को ग्राम प्रधान से बताया कि नहीं बताया? मैं अपनी समस्या को प्रधान जी को बता रहे हैं ना कि मैंने 3 महीने पहले डोंगल पर चढ़ाने के लिए दिया था, अब इस समय
तक मैं लखनऊ तक इंक्वायरी कर लाया हूँ भाई की वही डोंगल पर नहीं चढ़ाया है, क्या कारण है? इसी ग्राम तो जाने इसी ग्राम सभा के आप भी निवासी हैं, ग्राम सभा प्रधान भी हैं, तो आपको जा करके उनको बताइए कि ये समस्याएं हैं, या आपने समस्या बताया उनको, आपकी समस्या को उन्होंने अनसुनी कर दिया या उस पर कुछ विचार नहीं किया, क्या समस्या है? देखिए मैं तो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अनसुनी किया है, और उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने तहसील में आपका बात पहुंचा दी है, अब तहसील वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये उनके तरफ से जवाब मिला। मतलब प्रधान जी ने आपके आपकी बात को तहसील तक पहुंचाए हैं? जी, ये उनसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से बात किया तो उन्होंने ये बात मुझसे कही। कहने का मतलब है कि तहसील से आपका कार्य नहीं हुआ? ये जरूर हो सकता है कि वहाँ से हुआ कि या प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने पहुंचा दिया है, अब ये प्रत्यक्ष कैसे हो कि हमारी बात वहाँ तक पहुंच गई है या नहीं, ये कार्य होने पर ही मैं मुझे विश्वास होगा कि हुआ कि नहीं हुआ है। आपका परिचय? सरफीलाल, इसी ग्राम सभा कौंदी का मैं नागरिक हूँ। कुछ नागरिक से रूबरू कराना चाहते हैं। एक गांव मल्लाटी हुआ है, उस गांव में कोई ना रास्ता है ना आवे के, नदी बाढ़ आवे तो कतऊ डेलबरी में फंस जाए, मर जाए घरे में साहब, न आवे के गली न जाए के गली, और न पानी पिए के, ऐसे नदी बाढ़ आवे थी तो उर्दा मुर्दा लगा रहा था, मैंने पछेल के पानी पीता है, कोई साधन नहीं है, इतना प्रधान हो गए वोट दे दे बुढ़ाई आई गई, न शौचालय मिला न तो कॉलोनी मिली, कौन चीज का अधिकार इतना दे रहा है वो गांव का, कोई न प्रधान न लेखपाल कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है? पानी नहीं है पीने के लिए, हैंड पंप नहीं गड़ा है? नहीं गड़ा। अच्छा, शौचालय कुछ नहीं है? शौचालय नहीं बना है? कोई कोई काहे के अधिकारी हमारे पजन के घर जाते ही नहीं है, न जनता ही है, केवल कब जही जब वोट लेके हुई तब पूर्व में जाते में नहीं है, क्यों अधिकारी न प्रधान न लेखपाल न क्यों नहीं जाए। कौंदी के मल्लाहटी पूर्वा के हैं आप? हाँ, मल्लागत है मल्लाहटी पूर्वा, मैंने पुले के नीचे है, मैंने इनके घर है, चाहे मर जाए चाहे जे कौनो सुनाई। आप तक कोई सुविधा नहीं? कुछ सुविधा नहीं। आपका नाम क्या है? रजमंती। आपने कहीं गुहार लगाई? आपने प्रधान किसके गुहार लगाई? जैसे मैंने कहते हैं कहे बनेंगे है, लिख के दाई दिए हैं नहीं आएंगे आएंगे। किससे किससे आपने गुहार लगाई? गुहार लगाई मैंने प्रधान से लगावत है, और उसके उसे जानकारी चिन्हारी नहीं तो कैसे मैंने लगा। हाँ। जैसे वोट देता है उसे मैं कहता है वो कुछ नहीं करता, तो मैंने अब के लगे जाए, मैंने चिन्हा अनपढ़ मनाई अनबुझ मनाई। फास्ट न्यूज इंडिया से, फास्ट न्यूज इंडिया से राम दीपांकर एकदम नदी किनारे हमारे पजन के गांव बताए थे, नदी बाढ़ है तो मैंने डूब के न तो गोरुगन का रास्ता न मनाइन का रास्ता। मंडावर क्षेत्र के ग्राम जाफरपुर आसो में बाबा परसे वाले के आश्रम पर बाबा परसे की बरसी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में दूसरे जिलों से भी महात्मा लोग आए और आश्रम पर इतबार गिरी बाबा ने बताया कि बाला बाली ब्रह्मचारी लाल बाबा उत्तराखंड से, नरेंद्र भारती जीतमल बिजनौर से, चेतनानंद जी आदि महात्मा लोग आए और भंडारे में क्षेत्र से आए लोगों ने दान दक्षिणा देकर भंडारे में सहयोग किया और हवन पूजन के बाद प्रसाद वितरित किया गया। 1000 की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। बिजनौर से राजीव कुमार की रिपोर्ट। द्वारगिरी है, ग्राम जाफरपुर में रहता हूँ, बाबा जी शरीर पूरा करके थे उनका भंडारा करता हूँ। तो आज ये भंडारा किया गया है? हाँ, ये किस उपलक्ष्य में? बाबा जी का शरीर पूरा हो गया था, उनके विसर्जन होता है, उनकी बरसी मनाई जाती है, बरसी मनाई जाती है हमारा। काफी बड़ा बड़ा भंडारा? हाँ, काफी बड़ा है, जनता का सहयोग है, विशाल भंडारा है, दूर दूर से संत आए। रामायण पाठ भी हुआ? नहीं, रामायण ने कीर्तन करवाया था। ये काफी दूर दूर से महात्मा दूर दूर से काफी आकर के अपना यहाँ स्थान है, स्थान ही कहें जाफरपुर? हाँ, जाफरपुर ग्राम फिर वहाँ है, बाला वाली भारतीय आश्रम जी, बाला वाली से है बाबा। अच्छा, यहाँ भंडारे में आए हैं? भंडारे में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद भारती। बाबा आप बाला वाली, आप अपना परिचय बताएं, नाम रुद्रदेव जी, यहाँ भंडारे में आए बाबा जी? बाबा आप नाम बताएं बाबा? श्री कपूर मुनि जी। अच्छा, यहाँ भंडारे जो जाफर में हुआ है इसमें आए? ठीक बाबा, आप बताएं।
हाँ, सूरज भारती उत्तराखंड से आए हैं। वार्षिक भंडारा है बाबा जी का, हर वर्ष करते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यज्ञ हवन के साथ दूर दूर से आए हैं संत महात्मा जी। हाँ जी, वार्षिक है इनका। ठीक है बाबा। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से श्री रोहतासपुरी महाराज, ग्राम कमालपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, नेटौर के पास, हर वर्ष की भांति इसी प्रकार से यहाँ साधु संत महंत गुरु मूर्ति आते हैं। बाबा जी के हर साल भंडारा होता है, जिनको परसे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। और यह स्थान भी बहुत सदियों से है, इसमें सभी हमारे ग्रामवासी साधु संत गुरु मूर्ति भक्त जगत इसमें सभी सहयोग करते हैं। बोल सतगुरु महाराज की जय। ये सभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।